नमस्कार, वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ मनीषा। आज मैं आपके लिए सत्तू का शरबत लेकर आई हूँ। सत्तू हमारे शरीर को बहुत तरावट देता है और गर्मियों के मौसम के लिए बहुत अच्छा ये उपाय है अपने शरीर को अंदर से इंटरनल ठंडक पहुँचाने के लिए। तो जब भी हम धूप में बाहर निकले, यदि हम सत्तू का एक गिलास शरबत सेवन करके निकले, तो हमें कभी लू थकान नहीं महसूस होती है। हमने लास्ट वीडियो में आपको सत्तू कैसे बनाते हैं वो बताया है, और इसमें हम आपको बताएंगे कि सत्तू का शरबत हम कैसे बनाते हैं। नमकीन या मीठा जो आप टेस्ट पसंद करते हो वो दोनों भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या लगते हैं। इसके लिए हमें जो चाहिए, सबसे पहले देखिए ये हमारा होममेड सत्तू है चने का। तो ये हमने करीब 2-2.5 चम्मच लिया हुआ है सत्तू का शरबत बनाने के लिए। हमें 2-2.5 गिलास बनाना है, और हमने इसमें टेस्ट के लिए पुदीने की पत्तियां डालेंगे, करीब 8-10 पुदीने की पत्तियां हैं। और हम ये भुना हुआ जीरा लिए हैं, और हम 1 टेबल स्पून यह डालेंगे उसमें भुना हुआ जीरा। और इसमें हम डालेंगे करीब 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे, और 1/2 टीस्पून टेस्ट के अनुसार ये सादा नमक डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1/2 लेमन जूस, अगर जिससे निकलता है 1 टेबल स्पून, टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा 1 हरी मिर्ची लेंगे, अगर आपको तीखा लगा तो उसका बीज आप निकाल दीजिए, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और हमने 1 प्याज लेके रखा है, इसको महीन बारीक करके डालेंगे, तो इससे हमें लू नहीं लगेगी। यदि हम धूप में बाहर निकलते हैं तो सत्तू के शरबत में इसका सेवन करने से हमें लू लगने की संभावना नहीं होती है। और हमें चाहिए पानी, और बहुत ज़्यादा टेस्ट अगर लाना है थोड़ा सा ऊपर से आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के हम सत्तू का शरबत बनाएंगे। सबसे पहले हम तो ये सब सारी चीज़ों को बारीक बारीक काट के और एक साथ ऐसे मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे मुँह में ना आए इसलिए हमें क्या करना है कि ये हमने आधा प्याज लिया है, देखिए हमने 1 दिखाया आपको और आधा प्याज हम यूज़ कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्याज से भी टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इसको हमें हल्का सा इसमें ग्राइंड कर लेना, बहुत महीन बारीक नहीं करना है, बस केवल हल्का हम इसको चर्न करेंगे। देखिए इसको डाल लेंगे इसमें, तो इससे इसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और ये हमारा जो पानी है, हमने एकदम चिल्ड वाटर लिया है, आप चाहें तो इसमें ऊपर से आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, ये हम साइड पे रखेंगे। और अब इसमें हम मिलाएंगे अपना चने का सत्तू, ये 1, 2 और ये 3, हमने 3 टेबल स्पून डाला इसमें। और हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे, ये 1/2 टीस्पून नमक, नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। अब इसी में हमने लेमन जूस डालना है, पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। पहले हम घोल को इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, और थोड़ा डालेंगे। देखिए आप देख सकते हैं जितना पतला रहता है उतना अच्छा लगता है। अब इसमें हम ये डाल रहे हैं डायरेक्ट, वैसे तो हम अभी इसको छानेंगे जैसे ये चीजें हमारे मुंह में ना आए। नींबू भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए नींबू का और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को हम छान लेंगे, ये डाला और हम इनको सबको छान लेंगे। ये देखिए छानने से जो वैसे मुंह में आने वाली चीजें होती हैं सारी निकल गई। तो मिक्स करेंगे, आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट कर लें, जिससे आपको पता चल जाए नमक वगैरह और भी कम हो तो आप डाल सकते हैं। अब इसको हम एक सर्विंग ग्लास में निकाल लेंगे, ये देखिए हमने आपसे बताया हम 3 गिलास बनाए, अभी 1 गिलास जैसा बचा हुआ है और 2 गिलास हमने सर्विंग ग्लास में निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसको अपने ग्लास को गार्निश करेंगे। तो इसके लिए हमारे जो ये नींबू है
उसको पत्ते पत्ते स्लाइस कर लेंगे, उसको बीच से हल्का सा कट मारेंगे, इसमें ग्लास में लगा देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं। और ये हमारी सत्तू का शरबत तैयार है। अब ऊपर से इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। देखिए, हमने तैयार किया आपके सामने सत्तू का शरबत। देखिए, हमारा सत्तू का शरबत तैयार है। ये हमने नमकीन सत्तू का शरबत बनाया। अगर आपको टेस्ट पसंद हो तो आप मीठा भी डाल सकते हैं, वैसे ज़्यादातर नमकीन ही अच्छा लगता है। तो हमने सारी चीज़ों को मिक्स करके इसको छन्नी से छान लिया है। बहुत से लोग छानते नहीं हैं, उसको महीन बारीक कर करके ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन हम मुँह में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने बनाया। आप अपने घर में इसे एक बार ट्राई करें, और गर्मियों में ज़रूर इसका सेवन करके आप घर से बाहर निकलें। आई एम श्योर आपको लू नहीं लगेगी और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप बनाएं और लाइक करें। आप प्लीज़, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।